चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 47 ऑफ इंडियन पीनल कोड और हम कर रहे हैं फाउंडेशन बैच की बात। तो जब हम लोगों ने ये फाउंडेशन बैच शुरू किया था आपके लिए तो हमारा इंटेंशन यही था, हमारा एम यही था कि हम आप लोगों की जो फाउंडेशन है, जो इंडियन पीनल कोड की या फिर जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं उसका जो फाउंडेशन है हम उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं। इसी थॉट प्रोसेस से, इसी मोटिव से हम लोगों ने ये फाउंडेशन बैच शुरू किया था और आज हम लोग करेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी। जैसे कि आप लोग जानते हो और अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 आजकल, जिसमें हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस जब हम कर रहे हैं तो आपको पता है हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, थेफ्ट कर चुके हैं, एक्सटॉर्शन कर चुके हैं, हम लोग रॉबरी और डकैती भी कर चुके हैं। कर चुके हैं का मतलब है हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमने एक्चुअली में थेफ्ट या रॉबरी नहीं करी है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने चीटिंग का ऑफेंस पढ़ा था एंड उसके बाद हम लोग वापस आए थे और हमने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन पढ़ा और हम लोगों ने सीबीटी जिसको हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं वो पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने मिसचीफ पढ़ा और मैंने आपको बोला था कि आप ये चीज़ की फिक्र मत करना कि मैम ने कुछ पोर्शन को स्किप कर दिया है, मैं कोई सेक्शन मिस नहीं करूंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, जैसे कि थेफ्ट करते हो, एक्सटॉर्शन करते हो, रॉबरी करते हो, डकैती करते हो, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन करते हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो और इसके माध्यम से जो भी आपको चीज़ हासिल होती है, जो भी आपको प्रॉपर्टी हासिल होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हमारी स्टोलन प्रॉपर्टी। हम यही आज पढ़ने वाले हैं और सेक्शन जो हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 410 से 414। तो जैसे कि आप लोगों को पता है जहां तक हम पहुंच चुके हैं इंडियन पीनल कोड में, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 1 से शुरू किया था, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मेंस रिया एक्टस रियस पढ़ा था, स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ा था, इनकोएट ऑफेंसेस क्या होता है ये पढ़ा था, वाइकेरियस लाइबिलिटी पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी पढ़ा है। तो आप लोगों को पता है कि मैं जब कोशिश करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने की तो मेरा एम यही रहता है कि जो मोटे मोटे बेरक के सेक्शन है ना उनको क्रिस्प फॉर्म में आपके लिए लेके आऊँ, उनको इजी फॉर्मेट में आपके लिए लेके आऊँ, फ्लोचार्ट फॉर्म में लेके आऊँ कि आप लोग बिल्कुल भी पहली बार बोर ना हो और दूसरी बात दिमाग पे बाउंसर ना पड़े, वो सब कुछ हमारे ऊपर से ना चला जाए, सब कुछ दिमाग के अंदर जाए। तो इसी अप्रोच से मैं आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगी, इलस्ट्रेशंस दूंगी और हम लोग करेंगे कुछ केस लॉज जो अगर आप अपने आंसर में लिख के आओगे तो आपको हेल्प भी करेगा और आगे आने वाले टाइम में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में हेल्प करेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हो तो ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से, इन केस लॉज के माध्यम से आप लोगों को कॉन्सेप्ट वापस याद आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि कॉन्सेप्ट इतने सारे होते हैं, आप सिर्फ एक आईपीसी तो पढ़ नहीं रहे हो, सीआरपीसी भी पढ़ रहे हो, सीपीसी भी पढ़ रहे हो, इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़ोगे, ये सब कुछ पढ़ोगे जब हम लॉ ऑफ क्राइम की बात करते हैं, ठीक है। सीपीसी ऑब्वियसली सिविल लॉ, बट क्या ध्यान रखने की बात है कि ये टू मच हो जाता है कभी कभी, टू मच इन्फॉर्मेशन जब हो जाती है तो हमारा दिमाग एक्सेप्ट करना मना कर देता है और हम लोग चीज़ें भूलनी शुरू कर देते हैं। बट होता क्या है कि एज अ ह्यूमन नेचर हम लोगों को कहानियां हमेशा याद रहती हैं, इसीलिए आप लोगों को कहानियों के माध्यम से, आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को याद रखना है सो दैट आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम ना हो। तो इसी अप्रोच से शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और क्या ध्यान रखने की बात है, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और अपनी स्टेट जुडिशरी का पीटी मेंस या फिर इंटरव्यू के लिए अपीयर करने वाले हो या फिर आप एक क्लैट के एस्पिरेंट हो और आपका लीगल एप्टीट्यूड का पेपर आएगा जिसमें वो आपसे लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ फेयर नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मिसचीफ का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों का मतलब अगर आपको पता होगा तो जो बड़े बड़े पैसेजेस आएंगे ना उनको आप झटपट सॉल्व कर पाओगे, तो आप फंसोगे नहीं। तो क्या जरूरी है कि आप लोगों को एक फेयर आइडिया ऑफ नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीगल टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं और इनका मतलब क्या है। और अगर आप एक एलएलबी के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपके लिए भी ये वाला पोर्शन बहुत रेलेवेंट है, इसलिए आपको भी ये जरूर पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आज के हमारे डेली टारगेट्स क्या रहने वाले हैं,
जब हम टॉपिक स्टोलन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सेक्शन 410 से 414 की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये तो सिर्फ 5 सेक्शंस हैं, तो बड़े आराम से हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। आपको इन सेक्शंस को पढ़ते समय एक बार मेरे साथ डिटेल में पूरा सेक्शन पढ़ना है, उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना है, केस लॉस को पढ़ना है, इलस्ट्रेशंस को पढ़ना है। उसके बाद जो फ्लो चार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग उसके हेल्प से इसको आराम से अपना कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं कि डेली टारगेट्स क्या हैं। आज के डेली टारगेट्स हैं, हम बात करेंगे जब आप प्रॉपर्टी जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको रिसीव करते हो तो क्या होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, स्टोलन प्रॉपर्टी होती क्या है वो पढ़ेंगे, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखेंगे आज के। डिसऑनेस्टली अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हो या फिर उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहे हो, बेसिकली आपको वो प्रॉपर्टी मिली है, अब आप इस चीज को रिटेन कर रहे हो स्टोलन प्रॉपर्टी को, तो कौन सा ऑफेंस होगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो डकैती से आपने ली है, आपने सेक्शन 391 के अंदर डकैती करी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हो, 391 के अंदर डकैती करी और वो जो डकैती के अंदर आपने माल लिया था ना, प्रॉपर्टी ली थी आपने, उसको रिसीव करा वो स्टोलन प्रॉपर्टी को, या फिर आप हैबिचुअली एक ऐसा बंदा हो जो कि डील करता है स्टोलन प्रॉपर्टी में, आप शायद चोर बाजार में काम करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऐसा बंदा हो जो डील करता है हैबिचुअली किसी स्टोलन प्रॉपर्टी में, आपने मदद करी कि इस जो स्टोलन प्रॉपर्टी है इसको कंसील किया जाए या फिर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो कौन से ऑफेंसेस होंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, जब कोई भी बंदा कोई भी प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है और उसको पता है कि ये जो चीज है ये एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये एक चोरी का माल है, तो ये बन जाता है अपने आप में क्राइम, ये बन जाता है अपने आप में क्राइम, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कहाँ से रिसीव हो रही है, या तो थेफ्ट से, या तो एक्सटॉर्शन से, या फिर कोई भी ऐसे तरीके से जिससे आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो माल है, ये चोरी का माल है, ये स्टोलन है और इसके लिए मैं लीगली इंटाइटल्ड नहीं हूँ, ये चोरी का माल है, तो ये बन जाता है क्रिमिनल ऑफेंस और इसके लिए आप IPC में पनिशेबल होगे, इंडियन पिनल कोड में इसकी सजा दी गई है। तो क्या कहा गया है कि अगर आप किसी भी चीज को बाय कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, उस चीज को बेचने में मदद कर रहे हो, उसको छुपाने में मदद कर रहे हो, उसको डिस्पोज ऑफ करने में मदद कर रहे हो, और आपको पता है ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, बट फिर भी आप ये चीज कर रहे हो, तो आप इनकरेज कर रहे हो कि लोग क्या करें, थेफ्ट करें, रॉबरी करें, एक्सटॉर्शन करें और ऐसी चीजें करें और स्टीलिंग करें, स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करें, जिससे कि पैसा मिलेगा जब इस प्रॉपर्टी को बाद में बेचा जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप इनकरेजमेंट कर रहे हो कि जो क्राइम है वो और बढ़े। जैसे कि अगर आप लोगों ने बॉलीवुड की मूवीज देखी हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि एक छोटे मियां बड़े मियां नाम की मूवी आई थी अमिताभ बच्चन और गोविंदा की, उसमें एक चोर बाजार होता है, ठीक है। अब एक्चुअली में भी शायद कहीं पे चोर बाजार होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, शायद आप लोगों को पता हो, बट चोर बाजार में क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी चोरी की होती है, जो भी प्रॉपर्टी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉपर्टी आ रही है वो उस चोर बाजार में जाके बेची जाती है। अब क्या होता है, जब वो चोर बाजार में जाके प्रॉपर्टी बेची जाती है, तो उससे आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है और लोग इन फर्दर जाके उस चोर बाजार से प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। तो जब आप इस प्रॉपर्टी को जो कि चोरी की है, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर डील करने में आप उनको इनकरेज कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनको आप हेल्प कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करने का, और ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है एक क्रिमिनल ऑफेंस और इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी चोरी के माल को रिसीव करते हो और आप क्या करते हो, एक जो क्राइम था उसको होने से रोकते हो, तो अपने आप में क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो एक ऑफेंस, जहाँ पे जब आप चोरी के माल को रिसीव कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो कि आप जो क्रिमिनल्स हैं, जो चोर हैं, जो थीव्स हैं, उनको रिवॉर्ड कर रहे हो, उनको पैसा दे रहे हो कि इस चोरी के माल को वो लोग क्या करें, बेचें और इससे वो अपनी आमदनी करें, पैसा इकट्ठा करें, तो आप इनकरेजमेंट कर रहे हो। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को चोरी के माल को कंसील करने में, छुपाने में हेल्प करते हो किसी इलीगल तरीके से, तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है। तो काफी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं IPC के अंदर, जहां पे आप स्टोलन प्रॉपर्टी में अगर डील करते हो तो आपको सजा हो सकती है।
सेक्शन 410 से लेके 414 ऑफ आईपीसी आज हमारा एजेंडा है, और ये सारे सेक्शंस उसी बारे में बात करते हैं कि अगर आप उस स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करते हो या फिर रिसीव करते हो तो क्या आपको सजा मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू है ये आपके लिए, आपको इस की स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या फिर आपको क्या करना है, इसको क्लास नोट्स में से पीडीएफ में आपको डाउनलोड करना है। तो बेसिकली स्टोलन प्रॉपर्टी को अगर कोई बंदा ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ थेफ्ट, जो कि 378 के अंदर प्रोवाइडेड है, हम पढ़ चुके हैं। रॉबरी जो कि कहाँ प्रोवाइडेड है, सेक्शन 390 में प्रोवाइडेड है। एक्सटॉर्शन 383 में प्रोवाइडेड है। मिस अप्रोप्रिएशन कहाँ प्रोवाइडेड है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन सेक्शन 403 में प्रोवाइडेड है। अगर वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी को इन सब तरीकों से तो सेक्शन 410 लगेगा। अगर वो बंदा प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है जो कि चोरी की है, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है और उसको पता है, तो 411 लगेगा और उसको सजा हो सकती है, 3 साल तक की जुर्माना भी देना पड़ सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। अगर कोई बंदा डिसऑनेस्टली, मतलब उसकी इंटेंशन ही गलत है, मेंजरिया है, और वो डिसऑनेस्टली रिसीव कर रहा है कोई भी प्रॉपर्टी जो कि डकैती से आई है, जो कि डकैती करी थी सेक्शन 391 के अंदर, उसके अंदर से कोई प्रॉपर्टी आई है और वो प्रॉपर्टी को वो बंदा रिसीव कर रहा है, तो उसको सजा हो सकती है लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर कोई बंदा हैबिचुअली डील करता है स्टोलन प्रॉपर्टी में तो सेक्शन 413 लगेगा, जहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और कोई बंदा अगर असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहा है किस चीज में, स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करने में, छुपाने में, तो उसको सजा होगी सेक्शन 414 के अंदर। तो इन 5 सेक्शंस को हमें पढ़ना है जब हम बात कर रहे हैं स्टोलन प्रॉपर्टी की। अब इन सेक्शंस को एक बार डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को ये फ्लो चार्ट को ध्यान रखना है सो दैट आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर करी जा रही है बाय द वे ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, सीबीटी का मतलब है, सीबीडी का मतलब है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रॉबरी के द्वारा, उसको क्या बोलते हो आप, स्टोलन प्रॉपर्टी कहते हो। तो सबसे पहले सेक्शन 410 में आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्टोलन प्रॉपर्टी होती कौन सी है, कौन सी चोरी का माल है वो। तो वो चोरी का माल थेफ्ट से आया, एक्सटॉर्शन से आया, सीबीटी से आया, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन से आया, रॉबरी से आया। तो वो जो भी माल आया, जो भी प्रॉपर्टी आपने इन सारे ऑफेंसेस को करके ली है, उस सबको आप क्या कहते हो, स्टोलन प्रॉपर्टी। और अगर ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन से हो रहा है या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हो रहा है, और जो भी प्रॉपर्टी है वो आप विद इन इंडिया कर रहे हो या विदाउट इंडिया कर रहे हो, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन। तो बेसिकली बट अगर ये प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली आती है आपके पोजेशन में और आप एक पर्सन ऐसे हो जो लीगली इंटाइटल्ड हो इस प्रॉपर्टी के, देन इट सीजेस टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जांपल लो कि थेफ्ट हुआ ए के घर पे, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी आई, ये जो भी प्रॉपर्टी आई, ये फूल नहीं है, ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसको हम कहेंगे ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट अगर ये प्रॉपर्टी वापस चली गई उस बंदे को जो कि लीगली इंटाइटल्ड है इसके लिए, कौन लीगली इंटाइटल्ड है, जो कि ओनर था, कौन है ओनर, ए, अगर ये वापस ए के पास चली गई तो ये प्रॉपर्टी सीज कर जाएगी टू बी स्टोलन, प्रॉपर्टी, क्योंकि वो जिसका मालिक है उसके पास वो वापस चली गई। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चोरी का माल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि जो ट्रांसफर हुआ है वो कैसे हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन से हुआ है या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हुआ है, जो कि विद इन इंडिया हुआ है या फिर विदाउट इंडिया हुआ है। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी सीज कब हो जाएगी टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको भी आपको ध्यान रखना है, जब ये चली जाएगी टू द पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड। ओके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ये उस पर्सन के पास चली गई जो कि लीगली एंटाइटल्ड है, तो ये प्रॉपर्टी सीज कर जाएगी टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर स्टोलन प्रॉपर्टी किसी ऐसे बंदे के पास आती है कमिंग इनटू द पोजेशन ऑफ द ओनर बिफोर इट्स रिसीव्ड बाय पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग इट, तब भी वो सीज कर जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये चोरी की प्रॉपर्टी है, ये स्टोलन प्रॉपर्टी है जो कि हमारे सेक्शन 410 में दी गई है,
उसमें वो कैसे प्रॉपर्टी हासिल करी, आपने करी वो प्रॉपर्टी हासिल थेफ्ट से जो कि 378 के अंदर दिया हुआ है, एक्सटॉर्शन से जो कि 383 के अंदर दिया हुआ है, रॉबरी से जो कि 390 के अंदर दिया हुआ है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से जो कि 403 के अंदर दिया हुआ है, या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जो कि सेक्शन 405 के अंदर दिया हुआ है। ये सारे सेक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वापस जाके वो लेक्चर जरूर देखो, सो दैट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस चैप्टर 17 आप लोगों का अच्छा हो जाए, मजबूत हो जाए, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, या फिर अगर आप लोग श्योर हो कि आप लोग ये अच्छे से पढ़ के आए हो अपने कॉलेज में, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से है ही। तो ये स्टोलन प्रॉपर्टी कौन सी है जो कि पोजेशन में आ रही है बाय वे ऑफ दीज ऑफेंसेस, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। आप प्रॉपर्टी अगर रिसीव कर रहे हो जो कि चोरी की है, जो कि स्टोलन है बाय एनी ऑफ द अबव मेंशन मेथड्स, तो हम उसको स्टोलन प्रॉपर्टी कहेंगे। और जो प्रॉपर्टी आई है फॉर विच स्टोलन प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड या फिर एक्सचेंज इज नॉट अ स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक केस देखना है, मनमोहन रॉय 1875 का केस है। क्या बोला गया इस केस में कि मनी जो कि ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम अ मनी ऑर्डर जो कि फॉल्स था, वो अपने आप में एक स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। काउवेल वर्सेस ग्रीन का केस है, उसमें क्या बोला गया, इट वॉज हेल्ड दैट द मोशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय किलिंग अ शीप विच वॉज स्टोलन अलाइव वॉज हेल्ड इट वॉज अ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ, जो कि एक शीप थी जो आपने उसको अलाइव उसको चोरी किया था, अगर उससे कोई भी मोशन कॉज होता है तो उसको हम स्टोलन प्रॉपर्टी कहेंगे। काउवेल वर्सेस ग्रीन के केस में ये कहा गया। अब आपको क्या पढ़ना है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी अपने आप में कब सीज कर जाएगी टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी, आप उसको स्टोलन प्रॉपर्टी कब ट्रीट नहीं करोगे, जब वो उस बंदे के पास वापस चली जाएगी जो कि उसका हकदार है, जो कि लीगली इंटाइटल्ड है, अगर वो उसके पास वापस रिवर्ट कर जाती है, अगर ये ए है जो ओनर है और इसकी प्रॉपर्टी स्टील करी गई थी और ये प्रॉपर्टी अब बी को गई, ये प्रॉपर्टी अब सी को गई और वहाँ से वापस ए को चली गई, तो यहाँ पे अब ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी क्योंकि ये उस बंदे के पोजेशन में आ गई है जो इसका लीगली हकदार है, जो बंदे का हक है इस पे, जो बंदा ओनर है, जो बंदे का लीगली एंटाइटल था, अगर उसके पास ही प्रॉपर्टी वापस चली गई तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नाउ नॉट अ स्टोलन प्रॉपर्टी, इट सीजेस टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी, इट स्टॉप्स टू बी नोन एज अ स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो भी ओनर है जब उसको पोजेशन मिलता है स्टोलन प्रॉपर्टी का बिफोर इट इज रिसीव्ड बाय सम अदर पर्सन, तो इसको हम बोलेंगे कि अब ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रही। और अगर कोई और पर्सन है जिसको ये बात पता है कि ये प्रॉपर्टी जो रिसीव कर रहा है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, ही कैन नॉट बी हेल्ड फॉर रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी, तो बेसिकली कब वो सीज कर जाती है, जब वो उस बंदे के पास वापस चली जाती है जो लीगली एंटाइटल्ड है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तरीके से ए है स्टील करता है वॉच ऑफ बी एंड बी जो है इमिजिएटली आफ्टर समहाउ गेट्स दैट वॉच फ्रॉम द थीफ एंड देन बी गिव्स इट टू ए टू सेल दैट वॉच, नाउ ए कैन नॉट बी हेल्ड टू रिसीव द स्टोलन प्रॉपर्टी, क्योंकि जब वो वापस चली गई उस बंदे के पास जो उसका लीगली ओनर था, जो कि लीगली एंटाइटल्ड था, और वापस उस बंदे ने किसी और को दी कि भाई इसको बेच दे, इसका पैसा मुझे चाहिए, जरूरत है, तो अब ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी क्योंकि जब ये वापस चली गई ओनर के पास, जब ये वापस चली गई उस बंदे के पास जो कि उसका लीगली एंटाइटल्ड पर्सन था, तो वहीं पर ये स्टॉप हो गई कहने के लिए कि ये एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ए जो है डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है कुछ पैसा मनी ऑफ बी जो कि उसका मैनेजर है, आफ्टरवर्ड बी को इस बारे में पता चलता है और वो जो सारा पैसा है जो मिसअप्रोप्रिएट हुआ था वो वापस ले लेता है। बी ने ये पैसा लेने के बाद जब ये पैसा बी के पास वापस आ गया तो अब ये स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं हुई, बी देन इसी पैसे में से कोई सैलरी देता है ए को, नाउ ए को आप ये नहीं कह सकते हो दैट ही इज गिल्टी ऑफ रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी, दो उसको पता होगा कि ये वही वाले नोट हैं जो मैंने चोरी करे थे, बट जब उसके लीगल ओनर को, जब जो बंदा लीगली एंटाइटल्ड था उस बंदे को जब वो प्रॉपर्टी दोबारा मिल गई थी और अब वो प्रॉपर्टी को खर्च रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और इस्तेमाल करते हुए अगर वो आपको दे रहा है तो यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि वो जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, इट सीजेस टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी जिस टाइम पे उसका पोजेशन वापस चला गया उस बंदे के पास जो कि लीगली एंटाइटल्ड था उसके, ठीक है। अब ओनरलेस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका ओनर ही नहीं है तो हम उसका क्या करेंगे, ये भी समझने की जरूरत है। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि रेस नलियस, जिसका मतलब है कि एक प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर नहीं है या फिर उसका जो एक्चुअल ओनर है उसने उसको अबैंडन कर दिया है, तो अब इसका क्या होगा। अब अगर एक प्रॉपर्टी है जिसका कोई ओनर नहीं है तो उसकी कोई थेफ्ट नहीं हो सकता, अगर उसका थेफ्ट नहीं हो सकता तो उसको हम स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कह सकते।
अब आपको अगर याद हो सेक्शन 378 जब हमने थेफ्ट पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, आपने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को टेक करा या फिर मूव करा आउट ऑफ पोजेशन विदाउट कंसेंट, बट अगर ये चीज जो है इसका कोई ओनर ही नहीं है, ये लावारिस चीज है, इसका कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, या फिर किसी बंदे ने इसको अबैंडन कर दिया है, तो उसका अपने आप में क्या नहीं हो सकता, उसका अपने आप में चोरी नहीं हो सकती, थेफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप मूव आउट नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को। तो जब वो प्रॉपर्टी अपने आप में ओनरलेस है तो वो अपने आप में स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं खिलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तरीके से एक बुल है जिसको उसके ओनर ने अबैंडन कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया, अब उस बुल का कोई मालिक नहीं है, कोई ओनर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, क्योंकि स्टोलन प्रॉपर्टी जब आपने पढ़ा है सेक्शन 410 आपने जब पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा है कि वो कुछ तरीकों से ही स्टोलन प्रॉपर्टी बनती है, और अगर वो तरीके ही सैटिस्फाई नहीं होते, वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ही सैटिस्फाई नहीं होते, तो आप इस प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कह पाओगे। ठीक है, अब विदिन और विदाउट इंडिया का क्या मतलब है, सेक्शन 410 कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि जो प्रॉपर्टी आई है, जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, क्या वो इंडिया के अंदर हुआ है या फिर इंडिया के बाहर हुआ है, हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये अपने आप में स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी। वी डू नॉट केयर वेदर इट इज इन इंडिया और इट इज आउटसाइड इंडिया, इट हैज टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी इफ इट इज डन बाय थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, इन किसी भी तरीके से हो रही है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी एज अ स्टोलन प्रॉपर्टी, चाहे इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है, जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी गई है अदरवाइज का क्या मतलब है, इट मस्ट बी नोटेड दैट अ प्रॉपर्टी जो कि ऑब्टेन करी गई है बाय चीटिंग या फिर फॉर्जरी के द्वारा, उसको हम स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा 410 सेक्शन ये बात नहीं कहता है। तो सेक्शन 410 बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है to understand what is the concept of stolen property, कौन सी properties को आप stolen property में qualify कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कहाँ पे लिखा गया है, section 410, और वो बहुत ही important section बन जाता है। अब प्रॉपर्टी जो कि एक्सचेंज करी गई है या फिर कन्वर्ट करी गई है, तो एक प्रॉपर्टी जिसको आप ऑब्टेन करते हो बाय एक्सचेंजिंग या फिर कन्वर्टिंग, वो अपने आप में स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि ये सेक्शन 410 में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई अमाउंट ऑफ कैश है जिसको ऑब्टेन किया गया है बाय सेलिंग अ स्टोलन प्रॉपर्टी, देन वो कैश जो है वो अपने आप में स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाया जाएगा। However, if an ingot is made by melting a stolen jewelry या फिर ornament, then that ingot would be stolen property as it is the same substance though altered in appearance. कई बार क्या होता है, कोई सोने का हार था, necklace था, उसको हमने melt करके एक सोने का biscuit बना दिया। ठीक है, तो अगर वो सोने का हार जो था वो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, वो थेफ्ट के द्वारा आपको हासिल हुई थी, बट अब आपने उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो अपियरेंस है, उसको आपने ऑल्टर कर दिया और आपने सोने के हार की जगह उसको एक बिस्किट बना दिया 5 ग्राम का, तो वो अपने आप में एक स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, मटीरियल तो सेम है, आपने बस उसका जो अपियरेंस है उसको ऑल्टर कर दिया, तो वो भी अपने आप में क्या होगा, वो भी अपने आप में होगी एक स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 411 सेक्शन क्या कहता है, डिसऑनेस्टली अगर आप किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो, तो कोई भी बंदा अगर डिसऑनेस्टली हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, और आपको ये याद है कि हमने सेक्शन 24 में पढ़ा था कि डिसऑनेस्टली क्या होता है, तो बेसिकली आपका मेंजरिया था, आपका खुराफाती दिमाग था कि आपने रिसीव करा या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी को आपने रिटेन किया कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि स्टोलन है, नोइंगली या फिर आपका रीजन टू बिलीव था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन है, और फिर भी आपने उसको रिटेन किया, आपने उसको रिसीव किया, तो आपको सजा हो सकती है कितनी, 3 साल तक की जेल जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो बेसिकली स्टोलन प्रॉपर्टी में आप डील कर रहे हो, आपने उस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया, आपको पता था ये चोरी का माल है, और आपने फिर भी इसको रिसीव किया, और रिसीव करके आपने इसको अपने पास रख लिया, आपने इसको रिटेन कर लिया, जबकि आपको नॉलेज थी, आपको रीजन टू बिलीव था, फिर भी आपने ये चीज करी, तो आपने किया है एक ऑफेंस अंडर सेक्शन 411, और आपको सजा हो सकती है कितनी, 3 साल तक की जेल, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई भी बंदा डील कर रहा है टू रिसीव द स्टोलन प्रॉपर्टी, वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में एक ऑफेंडर होगा। इट डज नॉट डील विद द प्रिंसिपल ऑफेंडर, बट क्या मतलब है कि जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं स्टोलन प्रॉपर्टी का, जो लोग भी काम कर रहे हैं चोर बाजार में, हमें उनको भी क्या करना है, हमें उनको इनकरेज नहीं करना है कि वो इनकरेज करें फर्दर कमीशन ऑफ क्राइम, हमें उन्हें भी क्या करना है, हमें उनको भी रोकना है, उनको भी पनिश करना है कि जो ये चोरी का सब कुछ हो रहा है, जो ये चोरी का माल का ट्रेड हो रहा है, ये अपने आप में रुका जाए, इस चीज को हमें स्टॉप करना है, इसीलिए हम लोग इनको भी
पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो सेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक सब्सटैंशियल ऑफेंस, और ये सेक्शन डज नॉट मीन दैट सेम एज दैट ऑफ अबेटर या फिर कॉन्स्पिरेटर, बट ये सेक्शन ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन कन्विक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफेंडर। बट ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देता है दैन द प्रिंसिपल ऑफेंसेज, और ये बोलता है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज को इनकरेज कर रहे हो तो हमें आपको भी करना है पनिश। इंग्रेडिएंट्स क्या है 411 के, कि डिसऑनेस्टली आप मेंस रिया के साथ आप रिसीव कर रहे हो या फिर रिटेन कर रहे हो कोई भी चोरी का माल, कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी, और आपको इस चीज की नॉलेज थी या फिर आपको रीजन टू बिलीव था कि जो भी आप माल को रिसीव कर रहे हो, जो भी आप प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हो वो एक चोरी की है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, वो वही प्रॉपर्टी है जो सेक्शन 410 के अंदर डिफाइंड है, तो आपको सजा होगी अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो डिसऑनेस्टली जब आप रिसीव कर रहे हो या फिर आप रिटेन कर रहे हो इस प्रॉपर्टी को, तो ये बन गया आपका एक्टस। और जब आप इस चीज को रिसीव कर रहे थे, रिटेन कर रहे थे, और आपकी जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट थी, आपकी इंटेंशन क्या थी कि आप इसको रिटेन करना चाहते हो, ये बन जाएगा आपका मेंस रिया। तो बेसिकली आप डिसीव करना चाह रहे हो, आप एक बंदे से जो चोरी का माल है उसमें आप ट्रेड करते हो, आप रिटेन करते हो, का क्या मतलब है, आप उस चीज को अपने पास रखते हो, अपने कंसेंट के साथ रखते हो, तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन। तो बेसिकली जब आप यू आर टेकिंग डिलीवरी ऑफ अ स्टोलन प्रॉपर्टी और आपकी इंटेंशन क्या है कि आप सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस कॉज करना चाहते हो जो कि उसका मालिक था, और खुद को रॉन्गफुल गेन कॉज करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो इस स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव, और आपका जो मेंस रिया है वो डिसऑनेस्ट है, इसीलिए हम आपको 411 के अंदर पनिश करेंगे। सिमिलरली अगर एक बंदा इस प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, इस प्रॉपर्टी को रखता है अपने पास, और उसकी इंटेंशन क्या थी कि मेरे को तो फायदा हो जाए, सामने वाले को नुकसान हो जाए, जो ओनर है उसको मैं डिप्राइव कर दूं ऑफ द लीगल बेनिफिट जो कि वो इंटाइटल था, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है डिसऑनेस्टली, एंड ही विल बी गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो सपोज अगर एक बंदा जो है वो ओनर नहीं है, उसको किसी प्रॉपर्टी का कब्जा मिल जाता है, किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाता है जो कि चोरी की प्रॉपर्टी है, विदाउट नोइंग इट कि वो चोरी की प्रॉपर्टी है, बट बाद में उसको पता चल जाता है इस चीज के बारे में कि वो जो प्रॉपर्टी है वो चोरी की है, और उसके बाद भी वो इस प्रॉपर्टी को रख लेता है, रिटेन कर लेता है, देन ऑल्सो ही विल बी पनिशेबल अंडर दिस ऑफेंस। हो सकता है ए जो है उसने जो ज्वेलरी खरीदी उसको नहीं पता था, नॉट नोन दैट स्टोलन है, आफ्टर 2 months उसको पता चला कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसने क्या किया, उसने इसको रिटेन कर लिया, डिसऑनेस्टली किया, मेंस रिया के साथ किया, तो ही विल ऑल्सो बी गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब अगर आप क्या कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो या रिटेन कर रहे हो, बट आप जो भी चीज कर रहे हो डिसऑनेस्टली कर रहे हो, तो आप गिल्टी हो गए इस सेक्शन के अंदर। तो अगर कोई भी बंदा प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है, वो ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि सेक्शन के अंदर दिया गया है, तो ये उसका एक्टस रियस बन जाएगा। बेसिकली अगर जो कंडक्ट है उसका, वो कंडक्ट है कि वो इस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा या फिर रिटेन करेगा जो कि प्रॉपर्टी क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो ही विल बी हेल्ड लायबल अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब आपका नॉलेज थी या फिर आपको रीजन टू बिलीव था कि जो ये प्रॉपर्टी है ये चोरी का माल है, तो बेसिकली ये क्या डील करता है, ये गिल्टी माइंड को डील करता है, और आपको क्या देखना है, मेंस रिया है यहाँ पे, डिसऑनेस्टली आप एक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो या फिर आप उस प्रॉपर्टी को रखते हो, नॉलेज के साथ रखते हो कि जो ये माल है, जो ये प्रॉपर्टी है, ये अपने आप में चोरी का प्रॉपर्टी है, तो वेरी मोमेंट जब आपको ये पता चलता है, जब आपको नॉलेज होती है कि हाँ जी ये माल चोरी का है, ये माल किसी और का है, ये प्रॉपर्टी किसी और की है, बट फिर भी आप उसको रिटेन करते हो, देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। तो बेसिकली जब आप कोई प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो, रिटेन करते हो, और तब आपको नहीं पता था कि ये चोरी की है, बट बाद में जाके आपको पता चल जाता है या फिर आपको रीजन टू बिलीव हो जाता है, तो भी आप गिल्टी हो गए। अब एक चीज जो देखने की है, नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, ये जो टेस्ट है इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आपको, कि क्या आपको नॉलेज थी या फिर आपको रीजन टू बिलीव था, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसको देखा जाएगा। अब हम देखेंगे बेगरैया कृष्णा सहारे का केस। इस केस में क्या हुआ, एक जो चाइल्ड था उसने चोरी करी और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया अंडर सेक्शन 83, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम है, इमेच्योर है, उसको पता नहीं है कि उसका भला बुरा क्या है, तो उसको सेक्शन 83 के अंदर मिल जाएगी जनरल एक्सेप्शन और उसको सजा नहीं होगी। बट जो अक्यूज है वो प्रॉपर्टी रिसीव करता है इस बच्चे से जो कि चोरी की है, तो इट वॉज हेल्ड दैट द डिस्चार्ज ऑफ द चाइल्ड का कोई मतलब नहीं बनता, उस बच्चे को हमने क्यों डिस्चार्ज किया, क्योंकि वो बच्चा सेक्शन 82-83 के अंडर कवर होता है, जो कि इन्फेंसी के सेक्शंस हैं, जो कि जनरल एक्सेप्शंस में कवर है। बट अगर आपको पता है कि ये चोरी का माल है, आप डिसऑनेस्टली इस प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हो, तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन। ठीक है,
अब क्या समझना है, इन पार द पर्सन डायरेक्टेड हिज सर्वेंट टू रिसीव द स्टोलन गुड्स इनटू हिज प्रीमाइसेस. जो सर्वेंट है इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल रिसीव दीज गुड्स इनसाइड हैविंग नोन दैट दे वर स्टोलन. यहाँ पे बोथ मालिक एंड सर्वेंट, सर्वेंट एंड प्रिंसिपल दोनों ही जॉइंटली लाइबल होंगे अंडर सेक्शन 411, क्योंकि दोनों ने क्या किया है, रिसीव किया है स्टोलन प्रॉपर्टी को नोइंगली कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, डिसऑनेस्टली उन्होंने रिसीव किया, देन दे विल बी हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 411. सेक्शन 412 किस चीज के बारे में बात करता है कि अगर आप डिसऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो जो कि चोरी की है, जो कि रिसीव करी गई है जब हमने डकैती करी थी, तो कोई भी बंदा अगर डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को रिसीव करता है या रिटेन करता है, वो चोरी की प्रॉपर्टी है और उसका पोजेशन आपके पास आया है, आपको नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है कि जो प्रॉपर्टी है ये डकैती के टाइम हमारे पास आई थी, या फिर डिसऑनेस्टली ये मिली थी, किससे मिली थी, कोई भी गैंग ऑफ डकैती से मिली थी, गैंग ऑफ डकैती से मिली थी, और आप फिर भी ये चीज कर रहे हो, देन यू विल बी हेल्ड लायबल अंडर दिस सेक्शन. तो आपको क्या देखना है, प्रॉपर्टी जो है आपको नॉलेज थी या फिर आपको रीजन टू बिलीव था कि जो प्रॉपर्टी है ये डकैती के थ्रू आई है, तो आपको कितनी सजा होगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है, और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. तो बेसिकली ये किसके साथ इन्वॉल्व है, ये डकैती के साथ इन्वॉल्व है, जो कि 391 के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रॉबरी प्लस 5 or more persons होता है तो क्या हो जाता है, डकैती हो जाती है. और रॉबरी दो तरीकों से होती है, आपको याद होगा, रॉबरी बाय वे ऑफ थेफ्ट या फिर रॉबरी बाय वे ऑफ एक्सटॉर्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो अब क्या समझना है कि इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, जब हम 412 की बात कर रहे हैं तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि डिसऑनेस्टली आप किसी प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो या फिर उसको रिटेन करते हो जो कि चोरी का माल है, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, आपको इसका पोजेशन मिला है नॉलेज के साथ, रीजन टू बिलीव के साथ कि जो ये प्रॉपर्टी आपको मिली है ये डकैती के थ्रू आई है, बेसिकली किसी ने डकैती करी थी, कोई गैंग ऑफ डकैत्स हैं उनके थ्रू ये आपके हाथ में प्रॉपर्टी आई है, और आपने इस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली रिसीव किया, आपको नॉलेज थी, रीजन टू बिलीव था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बिलोंग करती है कोई गैंग ऑफ डकैत्स को, और फिर भी आपको पता था कि ये चोरी का माल है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, और आपने फिर भी इसको रिसीव किया या फिर रिटेन किया, तो आप गिल्टी हो गए अंडर सेक्शन 412. 412 एक और सीरियस ऑफेंस है देन सेक्शन 411, क्योंकि आपको क्या देखना है, बिफोर कन्विक्टिंग अ पर्सन फॉर रिसीविंग या फिर रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, आपको क्या देखना है कि इसका पोजेशन है वो कैसे आया एट द मटेरियल टाइम, और आपको क्या देखना है कि कंट्रोल किसका था, प्लेस बाय द पर्सन कौन था, प्रॉपर्टी जो आई है वो कैसे आई है, और आपको क्या नॉलेज थी, क्या रीजन टू बिलीव था, ये सब कुछ को आपको टेस्ट करना है जब आपको पनिशमेंट देनी है. तो अनिरुद्धा अगस्ती का केस देखते हैं. इस केस में क्या देखा गया कि जहाँ पे स्टोलन आर्टिकल्स थे उनको रखा गया था एक सूटकेस में, जो कि रिकवर करे गए एक हाउस से जो कि ऑक्यूपाइड था बाय द अक्यूज्ड और उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स. तो क्या बोला गया, जो अक्यूज्ड है कैन नॉट हैव एक्सक्लूसिव या फिर कॉन्शियस पोजेशन ऑफ द सूटकेस. पोजेशन अपने आप में एक्सक्लूसिव होना चाहिए. पोजेशन एंड कंट्रोल इज विद अनदर, देन वन कैन नॉट बी सेट टू हैव पोजेशन इवन दो ही इज अवेयर ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी. इस सबको, ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है. इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ही आप क्रिमिनल लाइबिलिटी किसी चीज की इम्प्यूट कर सकते हो. मानसिंह का केस देखते हैं, 1993 का केस है. इस केस में क्या बोला गया, जब किसी पर्सन को आप गिल्टी नहीं ठहरा रहे हो अंडर सेक्शन 394 क्या होता है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग कमिटिंग रॉबरी. मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी फॉर कमिटिंग अ डकैती, बट वेयर द लूटेड प्रॉपर्टी इज फाउंड इन हिज पोजेशन एंड ही हैज नॉलेज दैट दिस इज लूटेड प्रॉपर्टी, इट वाज हेल्ड दैट ही विल बी गिल्टी अंडर सेक्शन 412. तो बेसिकली अगर आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हो रहे तो आप इस सेक्शन के अंदर तो उसको गिल्टी प्रूफ नहीं कर पाओगे, बट अगर उसके पास प्रॉपर्टी है जिसका पोजेशन है जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है जो कि डकैती के थ्रू आई है, तो आप उसको 412 के अंदर गिल्टी प्रूफ कर पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नरेंद्र कुमार का केस क्या हुआ कि यहाँ पे अक्यूज को आप कन्विक्ट कर रहे हो अंडर सेक्शन 395 फॉर कमिटिंग डकैती, और इसी डकैती के करते हुए जो भी प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में आई है, जो भी प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में आई है फाउंड इन हिज पोजेशन विच केम टू हिम, इट वाज हेयर दैट, आप उसको 412 के लिए गिल्टी नहीं ठहराओगे, क्योंकि आप ये नहीं कहोगे कि ही हैज डिसऑनेस्टली रिसीव्ड दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, वो बंदा वही है जिसने डकैती करी है और ये प्रॉपर्टी उसी की है. बट हम 412 में क्या करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है जो कि डकैती के थ्रू करी गई है या फिर गैंग ऑफ डकैत्स के थ्रू आई है, तो आप 412 में गिल्टी होंगे. ठीक है,
बनवारलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अक्यूज जो है उन्होंने 9 किलो सिल्वर को खरीदा फॉर अ पैल्ट्री सम, हैविंग नॉलेज दैट ये चोरी का माल है. जो पर्सन है वाज नॉट कंसीडर्ड अ बोनाफाइड परचेजर बाय द कोर्ट. सिल्वर इनगोट्स को रिकवर करा गया फ्रॉम मेनी पर्सन एट हिज इंस्टेंस एंड हिज कन्विक्शन वाज हेल्ड टू बी सस्टेनेबल. ठीक है, नकप्पा डोंडिबा वर्सेस स्टेट. इस केस में क्या हुआ, जो स्टोलन ऑर्नामेंट्स हैं डिसीज्ड पर्सन के व्हिच शी हैड बीन वेयरिंग व्हेन शी वाज अलाइव वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द अक्यूज्ड विद इन 30 डेज ऑफ द मर्डर ऑफ द डिसीज्ड. क्या कोर्ट ने बोला कि अक्यूज कैन ओनली बी मेड लाइबल अंडर सेक्शन 411 एंड नॉट अंडर सेक्शन 302 फॉर द मर्डर या फिर 394 फॉर द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट इन परसुएंस ऑफ रॉबरी, एज कोई भी एविडेंस नहीं है कि आप उनको इस ग्राउंड पे लाइबल ठहरा पाओ. ठीक है, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज अब्दुल गफार का जो केस है, इसमें क्या हुआ, एक कॉपर पॉट था जिसके अंदर 200 रुपये थे जो कि चोरी के थे फ्रॉम द टेम्पल. Presumption ये आई that the person in whose possession this pot was found must have committed the theft. Property जो worth की थी वो थी 600 रुपये की. एक fine था 200 रुपये का जो कि impose किया गया under section 411 considering the fact that it was stolen from a temple. ठीक है, अब क्या समझना है कि dishonestly आप किसी property को receive कर रहे हो, आप किसी property को retain कर रहे हो जो कि चोरी का माल है, और आपके पास जो पोजेशन है वो क्या है, आपको वो देखना जरूरी है. तो क्या इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये एस्टैब्लिश करो कि जो स्टोलन गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं फ्रॉम एक्चुअल पोजेशन ऑफ द अक्यूज. तो आपको क्या देखना है, इट शुड बी शोन कि अक्यूज ने आफ्टर बिलीविंग दैट द प्रॉपर्टी इज अ स्टोलन वन हेल्ड द प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन विद अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन. तो जरूरी नहीं है कि अक्यूज से ही आपको ये मिले. बेसिकली क्या जरूरी है कि आपने, आपको पता था, आपको नॉलेज थी, आपको रीजन टू बिलीव था कि ये जो ये माल है, जो ये प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में है, ये चोरी का है, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जब आपने इसको होल्ड करा तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन. तो पोजेशन जो है यहाँ पे, जो पोजेशन वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है वो एक कॉन्शियस पोजेशन होना चाहिए जहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन है, और आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी कब होगी, जब आप इसको डिसऑनेस्टली डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप इसको रिटेन कर रहे हो या फिर इसको रिसीव कर रहे हो. ठीक है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो होगी पोजेशन की होगी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी. ये जो पोजेशन है ये एक्चुअल होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज अ पर्सन हु इज सुपीरियर पर्सन इन द जॉइंट फैमिली इज प्रिज्यूम टू हैव पोजेशन ऑफ द एंटायर फैमिली प्रॉपर्टी. ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं होगा. ये क्या होना चाहिए, ये एक्चुअल पोजेशन में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए गिल्टी ठहराए जाओगे. तो ओनली दैट पर्सन जिसका एक्सक्लूसिव पोजेशन है उसी को आप लाइबल ठहराओगे, उसी को आप बोलोगे कि उसका एक्चुअल पोजेशन है, उसके पास डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, उसने नॉलेज और रीजन टू बिलीव के साथ इस प्रॉपर्टी को रिटेन किया या फिर रिसीव किया जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, तभी आप उसको गिल्टी ठहराओगे. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या देखना है, अक्यूज्ड वुड ओनली बी हेल्ड लायबल फॉर द प्रॉपर्टी अगर वो प्रॉपर्टी उससे रिकवर करी गई है, उसके एक्चुअल पोजेशन से रिकवर करी गई है, और ऐसा नहीं है कि वो उसके कंस्ट्रक्टिव पोजेशन से रिकवर करी गई है. द फैक्ट दैट द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हिम डज नॉट चेंज हिज लायबिलिटी. मेयर नॉलेज कि वो प्रॉपर्टी वेयर अबाउट्स कहाँ है वो किसी बंदे को लायबल नहीं ठहराएंगे अंडर सेक्शन 411. ठीक है, क्रिम्बंक वर्सेस स्टेट का केस देखते हैं. इस केस में क्या हुआ, द प्लेस फ्रॉम विच द प्रॉपर्टी वॉज टेकन वॉज इन एन ओपन एंड ईजी एक्सेसिबल टू ऑल सन्ड्री. एंड क्या बोला गया कि ये अपने आप में ऐसी सर्कमस्टांसिस नहीं है कि आप बोलो कि ये किसी पोजेशन में है अक्यूज के, और जो प्रॉपर्टी रिकवर करी गई है वो उसके पोजेशन से रिकवर करी गई है. ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जो फैक्ट है कि रिकवरी करी गई है अक्यूज से वो कंपैटिबल होना चाहिए, उसका मेल होना चाहिए इस पॉइंट से कि आपने ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि somebody else having placed that article there and that resulted in the accused acquiring the knowledge कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अपने आप में स्टोलन प्रॉपर्टी है, ये अपने आप में एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा. तो बेस्ड ऑन दीज reasons सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में acquittal कर दिया accused का. तो क्या जरूरी है कि सबसे पहला जस्ट बिकॉज आपको नॉलेज है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है ये आपको गिल्टी नहीं ठहराएगी. स्टोलन प्रॉपर्टी है इसकी नॉलेज है, और इसके साथ अगर आपने उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, रिटेन किया है, तभी आप गिल्टी होगे अंडर दीज सेक्शंस, वरना आप गिल्टी नहीं होगे. ऑल्सो क्या ध्यान रखना है, जो पोजेशन होना चाहिए वो एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिव पोजेशन होना जरूरी है. ठीक है, अब सेक्शन 413 क्या कहता है, जब आप ऐसे बंदे हो जो कि हैबिचुअली डील करता है, आपकी आदत है कि आप डील करते हो ऐसी प्रॉपर्टी के साथ, आप रिसीव करते हो या फिर डील करते हो उस स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ, जबकि आपको नॉलेज थी, आपको रीजन टू बिलीव था कि ये चोरी का माल है, तो हम क्या कहेंगे, आप 413 के अंदर लायबल होगे.
और आपको सजा होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी की या फिर 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये अपने आप में एक ग्रेव ऑफेंस है, एक सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आप हैबिचुअली डील कर रहे हो। हैबिचुअल का क्या मतलब होता है, हम बोलते हैं हैबिट है किसी की, मतलब हैबिचुअल है मतलब उसकी आदत है कि वो चोरी के माल में डील करता है और उसको रिसीव करता है, उसको रिटेन करता है, और उसको नॉलेज है, उसको रीजन टू बिलीव है कि ये सब चोरी का माल है, बट वो फिर भी ये सब कुछ कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसे बंदे को आपको सजा देनी है ज्यादा, क्योंकि आपको इसको पनिश करना है, आपको इसको रोकना है कि ये इन फ्यूचर ये सब कुछ में डील ना करे। तो आपको इसको क्या देनी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा या फिर 10 साल की सजा आपको देनी है, और आपको इसको जुर्माना भी देना है। इंग्रेडिएंट्स क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अक्यूज ने उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया है या फिर वो हैबिचुअली डील कर रहा है इस प्रॉपर्टी में, और उसने ये सब कुछ किया है जब उसको नॉलेज थी या फिर उसको रीजन टू बिलीव था कि ये जो माल है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो ही विल बी हेल्ड लाइबल अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, और कोर्ट ऑफ सेशन ही इसको ट्राई कर सकता है, क्योंकि क्या ध्यान रखना है, इसकी पनिशमेंट ज्यादा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा है, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको ट्राई नहीं कर सकता, कोर्ट ऑफ सेशन ही इसको ट्राई कर सकता है। ठीक है, अब 414 जो कि हमारा आज का आखिरी सेक्शन है, वो क्या बोलता है कि अगर आप कंसील करते हो, कंसील का मतलब है छुपाना, डिस्पोज ऑफ कर देते हो, बेच देते हो, या फिर उसका काम तमाम करते हो, खत्म कर देते हो उस प्रॉपर्टी को जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी थी, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोई भी बंदा जो कि वॉलेंटरीली हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, सेक्शन 39 में हम लोग वॉलेंटरीली पढ़ के आए हैं, जब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने करा था चैप्टर नंबर 2, तो सेक्शन 39 में वॉलेंटरीली पढ़ के आए हैं। कोई भी बंदा वॉलेंटरीली अपनी मन मर्जी से असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को छुपाने में या फिर डिस्पोज ऑफ करने में जो प्रॉपर्टी उसको नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उसको सजा होगी 3 साल तक की या फिर उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अक्यूज को नॉलेज होनी चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जो माल है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, और वो वॉलेंटरीली असिस्ट कर रहा है, वॉलेंटरीली हेल्प कर रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को छुपवाता हूँ आपके साथ, कंसील कराता हूँ, इसको डिस्पोज ऑफ कराता हूँ, मेक अवे विद दैट प्रॉपर्टी कराता हूँ, तो ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो कि कहाँ दिया गया है, जो कि हमें दिया गया है सेक्शन 410 में। क्या बोलता है ये कि कोई भी चीज जो थेफ्ट से आ रही है, एक्सटॉर्शन से आ रही है, रॉबरी से आ रही है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से आ रही है, या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से आ रही है। एक बार इनके सारे सेक्शंस रिवाइज कर लेते हैं, 378 थेफ्ट, 383 एक्सटॉर्शन, 390 है हमारा रॉबरी, 403 है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, 405 है सीबीटी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी इस सब से आ रही है और आपको नॉलेज है और आपको क्या है, आपको है रीजन टू बिलीव, तो आप क्या बोलोगे, ये जो प्रॉपर्टी आ रही है ये आ रही है और इसको हम कहेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी। अब आपको ध्यान रखना है कि स्टोलन प्रॉपर्टी होता क्या है, क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर वो प्रॉपर्टी किसी और चीज से आ रही है तो उसको हम स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, उसको हम कुछ और कहेंगे, जैसे कि अगर फॉर्जरी से या फिर मिसचीफ से अगर कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो उसको मैं स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहूंगी। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है सेक्शन 410, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि जब तक मुझे यही नहीं पता कि स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है, मैं उसमें डील नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब स्टोलन प्रॉपर्टी समझने के बाद हमने क्या किया, 411 में कोई भी बंदा अगर डिसऑनेस्टली, उसको पता है, रिसीव करता है इस स्टोलन प्रॉपर्टी को, या फिर वो रिटेन करता है। ठीक है, 412 में हमने पढ़ा कि डिसऑनेस्टली आप रिसीव करते हो या फिर आप क्या करते हो, रिटेन करते हो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि डकैती से आई है। डकैती हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 391 में हम डकैती पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर या फिर गैंग ऑफ डकैत से आई है तो आप कहाँ गिल्टी होगी, अंडर सेक्शन 412। 413 में हमने क्या पढ़ा कि अगर आप हैबिचुअली डील करते हो
आपकी आदत है, आप स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करते हो, जब आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है तो आपको 413 के अंदर पनिश करेंगे। और 414 के अंदर अगर आप असिस्ट करते हो कि मैं आपको हेल्प करता हूँ, आप कंसील कर लो, आप डिस्पोज ऑफ कर दो, या फिर आप मेक अवे कर दो, किसका, ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, तो आप गिल्टी हो गए अंडर सेक्शन 414। ठीक है, ये सारे सेक्शन हमने आज करे, तो आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आप लोगों को स्टोलन प्रॉपर्टी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ आ गया हो। अब आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करनी है पीडब्ल्यू की ऐप, और वहां जाके आपको लॉ सिलेक्ट करना है, आपको करना है फाउंडेशन बैच सिलेक्ट, और आपको करना है सिलेक्ट आईपीसी। जब आप आईपीसी सिलेक्ट कर लोगे, वहां पे जाके आपको मिलेंगे क्लास नोट्स, और आपको मिलेंगे मेरे ये लेक्चर्स, और आपको साथ में मिलेंगी डीपीपीज, जो कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, जो क्विज के फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। आप लोगों को टेलीग्राम पे लॉ वाला का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना है, उसको भी ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड मैं जल्द ही आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, और जो ये प्रॉपर्टी वाले ऑफेंसेस हैं इनको जल्द से जल्द खत्म करूंगी, सो दैट हम आगे के टॉपिक्स कवर कर सकें। तो जुड़े रहिए फॉर विद लॉ वाला फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।